खरगोन जिले की कसरावत तहसील के नर्मदा तट नावड़ा टोड़ी पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शाली वाहन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर नर्मदा स्नान किया। वहीं पर नर्मदा तट पर मेला भी लगा हुआ है, जो कि बच्चों के खिलौने और खाने पीने की सामग्री की दुकानें लगी हुई है। यहीं पर प्राचीन शिव मंदिर है, जहां शंकर भगवान के परम भक्त राजेंद्र सिंह यादव द्वारा बताया गया कि शाली वाहन मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। यहां पर हर वर्ष भंडारा और प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया जाता है और आश्रम भी चलाया जाता है, और रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। प्रसादी के रूप में खिचड़ी वितरण की जाती है। इसी प्रकार कसरावत पुलिस थाने के सामने भी विगत 15 वर्षों से खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। विगत लगभग 25 से 30 वर्षों से भोलेनाथ के मंदिर के यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व सभी लोग मनाते हैं और इसी प्रकार भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और ये मंदिर शालीवाहन मंदिर 2000 वर्ष पुराना मंदिर है और यह संत महात्माओं का निवास प्राचीन समय से चला आ रहा है और यह आश्रम आज भी उसी प्रकार से संचालित होता है। दोनों समय यह भंडारा होता है और विशेष पर्वों पर जैसे महाशिवरात्रि के पर्व पर आज फलाहारी साबूदाने की खिचड़ी का भंडारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हो रहा है और आज रातभर अभिषेक भी भोलेनाथ का होगा और महाशिवरात्रि का पर्व आनंद के साथ भजन कीर्तन के साथ यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।